अस्सलाम वालेकुम वार्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसका टाइटल मैंने जो रखा है वो है मल्टीपल कोगो पॉइंट लेबल विद लीडर इन सिविल 3D। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको कोगो पॉइंट लेबल नज़र आ रहा है जो कि मल्टीपल कोगो पॉइंट के साथ असाइन किया हुआ है मैंने। तो इस तरह का लेबल कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए मुझे ये एक व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट मशूल हुई है। यहाँ पे जो है उन्होंने एक पॉइंट का लेबल जो है वो ड्रैग स्टेट में लगाया हुआ है और उन्होंने बताया है कि ऐसा लेबल वो ऐसे ड्रैग करके क्रिएट कर लेते हैं, मगर अगर मल्टीपल पॉइंट हूँ तो उनके साथ ये जो लीडर है वो ऑटोमेटिक कैसे आएगा। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो सबसे पहले हमने जो है वो अपने पॉइंट क्रिएट करने हैं। पॉइंट यहाँ क्रिएट करने के लिए मैं पॉइंट क्रिएशन टूल में यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं पॉइंट जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ ड्राइंग में। इसको मैं यहाँ से स्टाइल असाइन कर देता हूँ, ओके, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉइंट हमारे क्रिएट हो गए, मगर इनके साथ अभी तक कोई लेबल नहीं है। किसी भी एक पॉइंट को आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी में यहाँ से आप कोई भी एक लेबल जो है वो आप इसको असाइन कर दें। जैसे ही आप लेबल साइन करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसका स्केल यहाँ से आप जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी अगर हम इन पॉइंट के साथ ये लीडर अगर हमें रिक्वायर्ड हो तो हमें हर पॉइंट के साथ इसको ड्रैग करके ये जो है वो लेबल हमें ये लीडर मिलेगा और उसके बाद जो है इसकी फिर ये सेटिंग करनी पड़ेगी और इसको इसके ओरिजिन पॉइंट पे भी लाना पड़ेगा और बाकी चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो हमें इसमें इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी, हम एक लेबल स्टाइल जो है वो क्रिएट कर लेंगे इसके लिए और जब हम इसको असाइन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सबके साथ ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे कोई भी एक कोगो पॉइंट मैंने लिया और कोई भी आप एक लेबल ले लें या आप न्यू क्रिएट कर लें। मैं यहाँ से न्यू कर देता हूँ, ओके, और इसको मैं लेबल का नाम दे देता हूँ या लेबल डैश वन का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आपने लेआउट में आना है, यहाँ पे जो भी आपकी बाय डिफॉल्ट चीज़ें हैं आप इसको डिलीट कर दें। यहाँ पे सिर्फ मार्कर रह गया है। यहाँ से सबसे पहले जो है मैंने एक लाइन असाइन करनी है, इसको मैंने लाइन वन का नाम दिया है और यहाँ पे ये जो है मैं इसको यहाँ से मिडल सेंटर कर देता हूँ और इसकी रोटेशन एंगल जो है मैं इसको 45 डिग्री कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी लेंथ जो है मैं छोटी सी डिमेंशन इसको असाइन कर देता हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका मैं जो है कलर है वो कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कलर असाइन कर दिया। अभी हमने इसको जो है वो एरो असाइन करना है। एरो असाइन करने के लिए यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक की ऑप्शन है, मैं यहाँ पे ब्लॉक में आ गया और इसको मैंने एरो का नाम दे दिया, ओके। और इसके लिए मेरे पास फीचर जो है वो लाइन है, ओके, और लाइन के मुझे ये स्टार्ट में चाहिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे मुझे इसकी एरो हेड की जो डायमेंशन है वो असाइन करनी है। इसको असाइन करने से पहले यहाँ पे ये जो ब्लॉक नेम है यहाँ पे आपने ब्लॉक स्टाइल असाइन करना है। यहाँ पे मेरे पास ये जो क्लोज फिल का ऑप्शन है मैं इसको लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इसके साथ आ गया है। तो इसकी डायरेक्शन हमने चेंज करनी है, तो ये बिल्कुल उल्टा आ रहा है तो हमने इसको 180 पे रोटेट कर देना है। जैसे मैंने 180 पे रोटेट किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर मार्कर के साथ ये साइन हो गया है। अभी हमने इसका जो साइज है उसको हमने कंट्रोल करना है। मैं जैसे इसको कोई भी डिमेंशन यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लीडर हमारा जो है वो यहाँ तक जो है वो बन के आ गया है। अभी हमने इसको जो है वो कलर असाइन कर देना है। यहाँ पे इसकी आउटलाइन जो है यहाँ पे वो आ गई है और यहाँ पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे एक लेयर है, ठीक है। तो लेयर में यहाँ पे आपने इसके लिए जो है वो अपने एक कोई न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं या कोई भी आप ऑलरेडी जो पहले बनी हुई है आप उसको भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके नाम से एक लेयर क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ये कलर असाइन कर देता हूँ, ओके ओके। ये लेयर बन गई है यहाँ पे, मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया यहाँ पे, ओके। अभी ये यहाँ तक बन गया लेबल हमारा। अभी लेआउट टैब में मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे और मैं इसमें एक और लाइन जो है वो साइन कर देता हूँ। इस बार मैं इसको फीचर जो है वो लाइन देता हूँ यहाँ पे, ओके। और इस दफा जो है मैं इसको यहाँ पे एंड सेलेक्ट करता हूँ
और यहाँ पे जो है इसकी मैं लाइन जो है वो टू कर देता हूँ, और ये मुझको जो है जीरो एंगल पे चाहिए, सॉरी इसकी रोटेशन जो है आपने यहाँ पे रखनी है, तो आप इसको अपने हिसाब से करके देख सकते हैं। मैंने जस्ट इसको 315 जो है वो एंगल दिया, तो यहाँ पे ये मेरा जैसे मुझे एरो रिक्वायर्ड था, ठीक है, ये वैसे ही यहाँ पे बन के आ गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अभी मुझे इसके साथ अपना लेबल क्रिएट करना है। लेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट के ऑप्शन लूंगा और इसको मैं लेबल का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंकर है, यहाँ पे ये जो लाइन टू है, ठीक है, इसके मैं यहाँ पे एंड में इसको असाइन कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इसको मिडल लेफ्ट जो है वो मैं असाइन करके देखता हूँ इसको। यहाँ पे ये लेबल जो है वो आ गया है। अभी हम इसके साथ अपना जो लेबल है इसका कलर जो है वो मैं यहाँ पे कोई भी आप कलर ले सकते हैं। यहाँ पे अभी हम अपना जो लेबल है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए पहले जो है यहाँ से मैं इसको स्टाइल असाइन कर देता हूँ। ओके, अभी हम यहाँ पे अपना लेबल क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे पॉइंट नंबर चाहिए। ओके, फिर मुझे ईस्टिंग चाहिए और फिर नॉर्थिंग है, उसके बाद मुझे एलिवेशन चाहिए। एलिवेशन के लिए मैं यहाँ पे ईएल टैप कर देता हूँ। ओके, इसके बाद मुझे डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। ओके, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ फॉर्मेट में मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी मैं इसको असाइन कर देता हूँ जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले मुझे पॉइंट नंबर चाहिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे ईस्टिंग चाहिए, मैंने यहाँ पे ईस्टिंग सेलेक्ट किया। अभी यहाँ पे मुझे नॉर्थिंग चाहिए, मैंने यहाँ से नॉर्थिंग सेलेक्ट किया। ये डेसिमल जो है यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको डेसिमल असाइन कर सकते हैं। ओके, मैं तीन तीन डेसिमल रख रहा हूँ इसमें। यहाँ पे एलिवेशन है, यहाँ मैं पॉइंट एलिवेशन जो है वो असाइन करता हूँ। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन जो है आप रॉ डिस्क्रिप्शन या फुल डिस्क्रिप्शन दोनों में कोई भी ले सकते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अप्लाई। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लेबल हमारा क्रिएट हो गया यहाँ पे। ओके, और यहाँ से आप अपना जो है इसका ये जो टेक्स्ट का स्टाइल था, ओके, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है लेबल का जो टेक्स्ट है, यहाँ पे ये जो हमने लेबल क्रिएट किया है इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये कितना अच्छे से सब हर पॉइंट के साथ यहाँ पे ये लेबल जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अभी अगर आप कोई भी न्यू पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो आपने जस्ट उसको ये लेबल असाइन करना है। ये मार्कर जो है ये मार्कर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ये बेसिक है। ओके, यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ या मैं न्यू ले लेता हूँ, ठीक है। न्यू में आपने यहाँ पे जो है ओके, यहाँ पे ये मार्कर है, मैं ये सर्कल इसको असाइन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 1 असाइन कर देता हूँ। जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लेबल जो है हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अभी अगर आप इसको प्रिंट करके देखना चाहें तो आप प्रिंट भी करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल पी करता हूँ। ओके, और यहाँ से आप कोई भी इसके लिए पीडीएफ प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे A3 पेपर साइज मैंने रखा है। ओके, ये पेपर साइज जो है ये आप अपने हिसाब से जो बाय डिफॉल्ट है वो भी ले सकते हैं और अपना भी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है मैं इसको जस्ट प्रीव्यू करता हूँ। ओके, ये सिंपल है, इसमें मैंने कोई भी बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं रखा, ये जस्ट आपको शो करने के लिए था। ओके, जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे जो है मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे अगर आप कोई भी अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करना चाहे, GTB एक ऐड करना चाहें, ग्रे स्केल करना चाहें, मोनोक्रोम करना चाहें, कोई भी आप असाइन करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लॉट स्टाइल जो है लाइन वेट वगैरह अगर आप रखना चाहें तो रखें, अदरवाइज आप इनको चेक भी कर सकते हैं। और जस्ट इसको मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके ओके ओके, 1 का नाम दे देता हूँ मैं इसको, सेव। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जो है ये
प्रिंट होके आ गया है और जैसा हमें रिक्वायर्ड था ये ऑलमोस्ट उसी स्केल में है जैसे हमारे मॉडल स्पेस में था। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।